क्या न्यूज और आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले में जबलपुर के ओमती थाना पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां मामले के संगीन आरोपी राकेश शर्मा को थाने के दो पुलिस आरक्षक एक बाइक पर बैठा कर ले गए, तो ट्रैफिक नियमों की अवहेलना तो करता ही है, साथ ही इतने संवेदनशील मामले के आरोपी को खुले में ले जाना भी बड़ी लापरवाही दर्शाता है, क्योंकि ऐसी लापरवाही के दौरान आरोपी भागने के साथ किसी घटना का शिकार भी हो सकता था, क्योंकि लोगों में इस निष्कर्ष के सामने आने के बाद भारी आक्रोश है। वहीं लापरवाही का यह वीडियो कल का बताया जा रहा है, जब राकेश शर्मा को मुआवजा कराने के लिए जिला चिकित्सालय ले जाया गया था। वहीं वीडियो के सामने आने के बाद मामले के एसआईटी प्रभारी एडिशनल एसपी रोहित काशवानी का बयान भी सामने आया है। एसआईटी प्रभारी का कहना है कि उनकी जानकारी में यह मामला अभी तक नहीं आया था, ऐसे में सामने आए वीडियो में यदि लापरवाही का कोई तथ्य आया हो तो मामले की जांच कराई जाएगी और जांच के बाद आगे की कार्रवाई से अवगत कराया जाएगा। गौरतलब है कि नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले में राकेश शर्मा वही आरोपी है जिसने इंदौर से सुशील मिश्रा से इंजेक्शन खरीद कर जबलपुर पहुंचवाने की बात कबूली है, जिसमें से कुछ इंजेक्शन उसने निकाल लिए थे जो सपन जैन को दिए थे, उसके बाद वह इंजेक्शन उनके द्वारा नर्मदा में प्रभावित किए गए थे। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। यह तथ्य अभी तक मेरी जानकारी में नहीं आया, जैसे ही जानकारी में आता है तो मैं इससे मीडिया को अवगत कराऊंगा। यह तथ्य की मैं जांच करूंगा, जो जानकारी में आएगा उसके आधार पर मीडिया को अवगत कराऊंगा। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।